सदर अस्पताल सासाराम परिसर में आज विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक करने की कोशिश की गई। सदर अस्पताल सासाराम के जीएनएम छात्रावास के सभागार में ये विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल सासाराम के जीएनएम जो सभागार है वहाँ पर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधिक जागरूकता कार्यक्रम को लेकर लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक करने का भी प्रयास जारी है। इस दौरान यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, हमारे साथ कई अधिवक्ता भी हैं। हम उनसे बात कर यह जानने की कोशिश करेंगे कि विधिक जागरूकता कार्यक्रम का जो सदर अस्पताल सासाराम आयोजन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जी, सबसे पहले आपका बाईस को स्वागत है अधिवक्ता जी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार का पैनल अधिवक्ता ब्रजनंदन पांडे, विधिक जागरूकता के अंतर्गत नशा मुक्ति के बारे में लोगों को जन जागरण अभियान के अंतर्गत हम लोग उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं और उसके विधि के लिए जागरूकता का आयोजन हुआ है, जिसमें विशेषतया नवयुवकों को नशा से मुक्त बनाने के लिए जन जन को जागरूक किया जा रहा है। इससे समाज में और परिवार के प्रति लापरवाही होगी और आर्थिक नुकसान होता है, इससे राष्ट्र निर्माण में बाधाएं आती हैं। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे जगहों पे जाकर विद्यार्थियों के बीच और नवयुवकों के बीच इसके गुण दोष के बारे में बताया जाता है कि नशा से बहुत ही नुकसान होता है और इसलिए इसकी रोकथाम के लिए जागरूक करने की ज़रूरत होती है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार सासाराम के द्वारा भिन्न भिन्न जगह आयोजित हो रहा है। ये अधिवक्ता ब्रजनंदन पांडे हैं जो विधिक जागरूकता से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि नशा मुक्ति को लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका बाईस, क्या नाम हुआ आपका? मेरा शालू कुमारी जी, सासाराम जी। जिला विधिक सेवा पदाधिकारी रोहता सासाराम के PLB हैं और इसमें यही कहा गया है कि हम लोग आज सासाराम सदर अस्पताल से जितने भी नर्स हैं, GNM हैं, सबको उनको ये नशा मुक्ति केंद्र यहाँ जागरूकता के लिए हम लोग आए हैं और उनको यही बताना चाहते हैं कि नशा एक ऐसी मतलब चीज़ है जो आर्थिक रूप से आर्थिक परिवार को बर्बाद कर देती है। और हम यही बोलना चाहेंगे कि नशा से जितने भी घर के फैमिली हैं उनको रोका जाए और ये फैमिली ही कर सकती हैं और उनको ये दिलाने के लिए ये परिवार को एकता बनाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे बिहार में जो कि नशा बंद हो गया है ये सरकार भी लगा दी है और ये हमेशा हम चाहेंगे कि ये इस पर हमेशा जागरूकता बनी रहे और नशा मुक्ति केंद्र हमारा बिहार दम स्वच्छ और भारत और अच्छे से ये रहे और इसी के भी मतलब ये एवांस में कहना चाहते हैं। और लीगल एवांस प्रोग्राम ऑफ नालंसा के द्वारा हम लोग नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा ये प्रोग्राम करवा रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि जागरूकता बनी रहे और बिहार से नशा को एकदम हटा दिया जाए जी। ये विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नशा से जो है हमेशा नाशी होता है, इसलिए नशा से लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है और नशा से लोगों को जागरूक करने का यह प्रयास है। सासाराम से न्यूज 22 स्कोप के लिए दयानंद।